डर मुझे भी लगा फांसला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद बखुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान हूँ एक पिंजरे को उड़ता हुआ देखकर। श्री अशोक राव द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ बोर्ड एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड कोई भी हो, आपके एग्जाम्स फरवरी मार्च 2020 से शुरू हो रहे हैं और आपके पास बचे हैं अब 100 दिन। बच्चों स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 डेज स्टडी प्लान की। अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़ पाए हो तो भी इन बचे हुए 100 दिनों में 90% या उससे ज्यादा अंक ला सकते हो। आपको इन स्मार्ट स्टडी टिप्स को अपनाना होगा। ये वीडियो आपके सभी डरों को भगा देगा और आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास आएगा कि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो बने रहिए हमारे साथ, ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कमाल के एप्लीकेशन डाउटनेट के बारे में, जिसकी सहायता से आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सॉल्यूशन 2 सेकंड में बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको फोटो लेना है, फोटो को स्कैन करना है और इसको क्रॉप करके भेज देना है और तुरंत 10 सेकंड के अंदर आपको ढेर सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जो सॉल्यूशन आपको पसंद आए उसको देख लीजिए। इनके व्हाट्सएप नंबर पर भी आप फोटो को स्कैन करके भेज सकते हो, वहां पर भी आपको सॉल्यूशंस तुरंत 10 सेकंड के अंदर मिल जाएंगे। ऐप का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। दोस्तों आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का पेपर इस साल दे रहे हो, 2020 में आपका पेपर है, आप क्लास 10th के हो या क्लास 12th के हो, आप रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, तो कुछ भी हो, पर एक बात श्योर है कि आपके पास में अब लगभग 100 डेज का टाइम बचा हुआ है। इन 100 डेज में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन सा नया प्लान बनाना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। पहला काम आपको करना है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है या जिस तरीके से अभी तक आपने अपनी पढ़ाई करी है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना है। आपको एक स्टडी प्लान बनाना है, वो भी स्मार्ट स्टडी प्लान, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, क्या क्या चीजों को आपको इग्नोर करना है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, बच्चे बार बार पूछते हैं कि क्या सर इन 100 डेज में वास्तव में मैं 90% ला सकता हूं या ला सकती हूं, तो ये संभव है या नहीं संभव है? तो बच्चों संभव है। क्यों नहीं संभव है? ये 100 डेज आपके पास में है और बहुत ही क्रूशियल 100 डेज है। बस अगर आपने अपने प्लान में थोड़ा सा परिवर्तन किया, आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर कंसेंट्रेशन है और आपने खुद को चैलेंज किया है, तो 90% क्या उससे ज्यादा आप अचीव कर सकते हो। कैसे अचीव करोगे उसकी गाइडलाइन हम यहां आपको दे रहे हैं। बार बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर किसी वजह से अभी तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाया हूं और अब इतने टाइम में क्या मैं 90% ला सकता हूं? तो ला सकते हो। कैसे ला सकते हो इसको जानने के लिए आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। अब यहां पर पहला क्वेश्चन आता है कि कैसे, हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि 90% हमारे आ जाए इन बचे हुए दिनों में। तो ये क्वेश्चन आना लाजमी भी है और इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि आपको जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को काउंट करना होगा और जितना टाइम बचा हुआ है वो आपको काउंट करना होगा। मान लेते हैं आपके 6 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट में आपके 16 चैप्टर हैं और टोटल हो गए 96 चैप्टर, आपके पास में टाइम बचा हुआ है 100 डेज का। इन 100 डेज को आप पूरा का पूरा काउंट मत करो, क्योंकि इनमें 10 से लेकर के 15 डेज ऐसे निकल जाएंगे जो आपको किसी न किसी वजह से पढ़ाई नहीं करने को मिलेगा। या तो हॉलीडे होगा, या तो कोई फंक्शन होगा, या कोई ऐसा काम होगा जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा और हो सकता है कि आप उस दिन अपनी स्टडी ना कर पाओ। अब बच्चों क्या हुआ, आपके पास में एक दिन से भी कम का टाइम बच रहा है एक चैप्टर के लिए और वो भी दिन आपका पूरा नहीं है, उसमें आपको सोना भी है, एक साउंड स्लीप लेनी है, उसके अलावा आपको डेली एक्टिविटीज भी करनी है, आपको क्लास भी करना है, आपको ट्यूशन भी जाना है। अब अगर देखोगे तो इसके अलावा आपके पास में 6 से लेकर के 8 घंटे का टाइम बचेगा जिसमें आप खाली रहोगे और इन्हीं 6 से 8 घंटों की अगर आप
अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से इसका यूटिलाइजेशन कर लो, तो 90% आप आसानी से ला सकते हो। क्या क्या करना होगा ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब आपने कैलकुलेट कर लिया कि मेरे पास में इतना टाइम बचा है, मान लिया आपके पास में एक दिन का टाइम बच रहा है एक चैप्टर के लिए, तो कुछ चैप्टर्स होंगे बड़े, कुछ चैप्टर्स होंगे छोटे। जो चैप्टर्स बड़े होंगे उनके लिए 2 दिन का टाइम रख लीजिएगा, और जो 2 चैप्टर्स छोटे होंगे 1 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, तो 3 दिन में आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पे आपको सबसे बड़ा काम जो करना होगा वो करना होगा, खुद को चैलेंज करना होगा कि ये सिलेबस, ये चैप्टर जो मैं निर्धारित कर रहा हूं उस दिन में कंप्लीट करके ही तब अपना कोई काम करूंगा, और उस दिन अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे भी करके मुझे ये काम अगले दिन पे नहीं डालना है। जितना मैंने आज डिसाइड किया है उतना मुझे उस दिन कर लेना है, पूरा करना है, आगे के लिए नहीं टालना है। और अगर आपने खुद को चैलेंज कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं रोक सकती है। पहला अटेंशन आपका ये होना चाहिए कि आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है एक बार फिर से। आप हो सकता है 2 बार कंप्लीट कर चुके हो, रिवाइज भी कर चुके हो, अच्छे से आता हो, तब भी इन 100 डेज में एक बार फिर से सब कुछ पढ़ करके आपको खत्म करना है, ताकि कुछ छूटने ना पाए। क्योंकि आपको पास होने के लिए इतना मेहनत नहीं करना होता है, लेकिन आपको 90% लाने के लिए पूरा सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा। आपको इंपॉर्टेंट नहीं ढूंढना है कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सब कुछ पढ़ना है तब 90% मार्क्स ला पाओगे। अगर आप इंपॉर्टेंट ढूंढोगे बच्चों तो पास हो जाओगे या थोड़े से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट 90% नहीं आएंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट नहीं ढूंढना है, खुद को चैलेंज करना है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद में पढ़ाई कैसे करनी है उसमें आपको मैं बता रहा हूं। जो कुछ भी आपने लर्न किया है डेली का डेली 2 से 3 बार उसको लिखिए। अगले दिन जब पढ़ने बैठिए तो पिछले दिन क्या लर्न किया था जल्दी जल्दी उसको पलट लीजिए पन्ना, जो कुछ भी आपने लिखा हो। अगर कोई चीज याद नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से लिख लो बच्चों, क्योंकि लिखा हुआ 10 बार पढ़े हुए के बराबर में होता है। और जब आप एक बार लिख लेते हो या 2 दिन के बाद में फिर से लिख लेते हो तो वो आपके माइंड में परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ये मेमोरी परमानेंट बन जाती है। अब इस तैयारी के दौरान कुछ ऐसी भी चीजें आएंगी जो आपके लिए टफ रही होंगी, जैसे केमिस्ट्री है, मैथ्स के टॉपिक्स हैं, या आपके टफ सब्जेक्ट्स हैं, मैथ का वर्क है, आपको कोई लंबा सा एस्से है, या जो फार्मूलाज होते हैं, ये अब एस्से के टॉपिक्स तो आपको लर्न करने होंगे। बाकी की जो चीजें हैं जैसे फार्मूला है, मैप है, आपको ग्राफ्स हैं, बायोलॉजी के डायग्राम्स हैं, केमिस्ट्री में जो बड़े बड़े रिएक्शंस हैं, इन सबका एक चार्ट बना लीजिए, एक एक चार्ट बना लीजिए और आप अपने बेडरूम में जहां भी रहते हो अगल बगल में चिपका दीजिए। और ये प्रयास करिए कि जब आप रेस्ट कर रहे हो या जब आप बेड रेस्ट में जाएं, जब आप आराम करने जाएं, सोने जाएं, एक बार नजर घुमा करके देख लीजिए। देखते देखते आपको इन 100 दिनों में वो डिजाइन याद हो जाएगा, वो ग्राफ पता चल जाएगा कैसे बना था, उसका एक रफ आइडिया आ जाएगा। जो रिएक्शंस अभी तक आपको भारी लगते थे वो इजिली तैयार हो जाएंगे इस चार्ट के मेथड से। बच्चों मैं बता दूं, जब मैं एमएससी कर रहा था बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन होता था उसमें बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस आते थे, याद करना लगभग असंभव होता था, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते थे और उनको याद नहीं किया जा सकता था, रटा नहीं जा सकता था। हम लोग चार्ट बनाते थे, चार्ट बना करके लगा देते थे और 1-2 महीने में वो सारी चीजें याद हो जाती थी ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए हुए। तो जितने फार्मूलाज हैं, जो मैप वर्क है, जो डायग्राम्स हैं, उन सब का या जो रिएक्शंस हैं उनका चार्ट अलग अलग बना लीजिए और अपने कमरे को उन चार्ट से भर दीजिए, एक तरफ से घिर जाइए उनसे। उसके बाद में अब आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा जुटे रहना है, आपको इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। अगर आप इंटरटेनमेंट नहीं करोगे तो आपके पास में आएगा स्ट्रेस और उस स्ट्रेस को टैकल करने में आप बार बार परेशान होंगे। तो इंटरटेनमेंट कर लोगे तो थोड़ा सा भार हल्का हो जाएगा, मन आपका फ्रेश हो जाएगा और जब पढ़ाई करने बैठोगे तो आपका मन लगेगा। यही नहीं, आपको जो सोशल मीडिया का यूज है बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत कर लेना है ताकि आप अपडेटेड रहो और फ्रेंड से कनेक्टेड रहो, बट इतना ज्यादा नहीं करना है कि वो आपकी पढ़ाई में विघ्न डाले, उसको प्रभावित करे। तो ये काम आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो कुछ भी आपने पढ़ा है किसी मित्र को ढूंढिए, किसी फ्रेंड को ढूंढिए, किसी टीचर को ढूंढिए और उनके साथ में डिस्कस करिए। ये मान करके चलिए कि जो मैंने पढ़ा है मैं इनको बताऊंगा, इनसे पूछूंगा। घुस जाइए उसमें, डिग करिए, उसको खोदिए, निकालिए,
क्या पढ़ा है आपने, ये देखिए कि क्या उसको भी आता है या हो सकता है उसको आपसे ज्यादा तो नहीं आता। इस पर अगर आप डिस्कशन करोगे, ग्रुप डिस्कशन करोगे, ग्रुप स्टडी करोगे, बार बार डिस्कस करोगे, तो वो टॉपिक्स आपके इतने अच्छे से तैयार हो जाएंगे कि कोई आपको जिंदगी भर उन टॉपिक्स को नहीं भुलवा पाएगा। तो ये काम आपको करना है, जहां भी मौका मिले फालतू की बातें करने की बजाय अपने टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू कर दीजिए, और इससे कितना कॉन्फिडेंस आता है ये बताने की जरूरत आपको नहीं है बच्चों। तो एक बात अब यहां पे मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आपने अभी तक अपने बोर्ड के चेंजेस के बारे में नहीं जाना है, आप सीबीएसई बोर्ड में होंगे तो पता होगा कि इस साल कितने चेंजेस हुए हैं, आईएससी और आईसीएसई में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, यूपी बोर्ड में चेंजेस हुए हैं, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लगभग सब जगह पे चेंजेस हुए हैं। और अगर आपने अभी तक इन चेंजेस को नहीं जाना है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बदलाव क्या हुए हैं, तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। ढेर सारा वीडियो अब अवेलेबल है यूट्यूब पर, हमने भी इस पर वीडियोज बनाए हैं, आप उनको जाकर के देख सकते हो कि आपके बोर्ड में किन किन चीजों में बदलाव हुआ है, कहीं वो आपके क्वेश्चन पेपर के डिजाइन, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न, उसके सिलेबस, इन सब में तो परिवर्तन नहीं हुआ है। अपडेट रहना बहुत जरूरी है, किस पैटर्न पे सैंपल क्वेश्चन पेपर आपका बना है उसी पे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जो डिजाइन है, जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो आपका अपडेट होना चाहिए। सीबीएसई की बात करें तो कुछ चैप्टर्स वहां से हटा दिए गए हैं, कुछ नई चीजें जोड़ दी गई हैं, पेपर के पैटर्न में चेंज कर दिया गया है, जो पेपर 100 नंबर का होता था इस साल से 100 का ना होकर के 80 का हो जाएगा, जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, और लगभग सब बोर्ड्स में ऐसा ही हुआ है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हर जगह हुआ है। तो इनसे फेमिलियर हो जाइए, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिलेगा आपको आपके ऑफिशियल सैंपल पेपर में, अगर आप उसको देख लोगे तो उसी डिजाइन पे आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, उसी पे फ्रेम किया जाएगा, और उससे आप फेमिलियर हो जाइए, उसको आप जान लो बच्चों। अब एक और काम जो लास्ट में आपको करना है, वो करना है अपने निगेटिव फ्रेंड्स को अवॉइड करना है। निगेटिव फ्रेंड्स होते कौन से हैं, जो हमेशा रोते रहते हैं, अरे मेरा कुछ नहीं तैयार हुआ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूं, अब चलो यार घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, जो ना आप खुद से उनको ना समझ में आया है और ना उन्होंने आपको समझने दिया है, उनसे दूरी बना लो। ऐसे बच्चों से भी दूरी बना लो जो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं कि मैं 10 घंटा पढ़ता हूं, मैं 15 घंटा पढ़ता हूं डेली, जो अपने पढ़ाई की डींगे हांकते हैं, उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो आप में निगेटिविटी फील कर रहे हैं, ये सो करके कि मैंने ज्यादा पढ़ा है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम बेकार हो जाओगे, मेरे मार्क्स ज्यादा आएंगे, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं निगेटिव, इनसे बना लो दूरी, नहीं तो ये आपको भी निगेटिव कर देंगे और आपका आत्मविश्वास डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे बच्चों, तो हमारी शुभकामनाएं हैं और हमें पक्का विश्वास है कि आपके 90% से ज्यादा मार्क्स जरूर आएंगे, और इन 100 डेज को उस तरीके से यूटिलाइज करो, ये मान करके कि आपके पास में 3 घंटे बचे हैं और इस 3 घंटे के बाद में आपको 3 घंटे का पेपर देना है। इस एटीट्यूड के साथ में अगर आप पढ़ोगे तो 90% मार्क्स से ज्यादा आपको जरूर मिलेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों। आपको इस वीडियो में क्या और चाहिए था या कौन सी चीजों की कमी रह गई, वो कमेंट बॉक्स में बताना भी मत भूलिएगा। मिलता हूं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।